नेक्स्ट प्लीज बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें कुछ करना ही नहीं है हाँ जी बोलो बेटा ये टेस्टिंग का क्वेश्चन है बेटा हमारा ये एच नॉट होता है अंडर हम जो भी काम करते हैं अंडर द नल हाइपोथेसिस करते हैं बेटा हमेशा नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑल्टरनेटिवली म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू नॉट इज लेस देन म्यू ये होता है इफ वी हैव टू पैरामीटर्स so let us take under h not we have h not mu and sigma is equal to mu not sigma not alternatively mu and sigma is not equal to mu not sigma not is greater than or is less than so jo bhi kaam hota hai under null hypothesis hota hai और H नॉट हमेशा इक्वालिटी के लिए काम करता है इक्वालिटी ये हमारी अजम्पन होती है बेटा

ठीक है, हो गया ये तो सी इज ट्रू क्योंकि सी ही इक्वालिटी नॉट जो है इक्वालिटी के लिए काम इसी में कर रहा है कभी भी नॉट में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन नहीं आएगा ठीक है अगर यहां लेस देन इक्वल टू होता या ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मैं दोनों को ठीक मान लेता इक्वल टू होना जरूरी था